ओके जी, मेरा जो खाना खाना है ना वो हो गया रेडी। यहाँ पे मैंने चिकन करके अपना रख लिया है, यही मेरा रात का खाना है। मैंने इंतजार की घड़ियां जो है वो खत्म हो गई है, और वो चीज जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है। सब्जेक्ट ऊपर ये देख लो, सैरिश नेम, डॉटर ऑफ नईमुल्ला, ये रोल नंबर सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं एमी नहीं कर रही, ये ना समझना पता नहीं किसी और का रिजल्ट खोल के तो दिखा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये हैं जी सारे सब्जेक्ट्स। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। आई नो मैं आज 3-4 दिन बाद आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार एक व्लॉग शूट करना है और एक बड़ी ही मज़े की और अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करनी है आज के व्लॉग में। तो सबसे पहले जिसने अभी तक फटाफट से चैनल को नहीं ना सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहें, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। आज जी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं, ठीक है, और हम जा रहे हैं हमेशा की तरह किचन में, क्योंकि गैस इस टाइम आती है। आप लोगों की बहन ने आजकल शुरू कर दी है थोड़ी थोड़ी सी डाइटिंग, थोड़ी शर्म आने लग गई है, और डाइटिंग के लिए हमने अपना नाश्ता बनाना है अलग, और घर वालों ने जो है वो अपना नाश्ता बनाना है अलग, ठीक है। तो फटाफट से पहले जाना है हमने किचन में, क्योंकि ये देखो टाइम हो गया है वही पुरानी घड़ी, पुरानी घड़ी पुरानी मैं, ठीक है, और ये टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं। तो फटाफट से सबसे पहले चलते हैं किचन में, वहाँ जाके अपने ऑमलेट का सामान जो है वो मैंने पहले से ही रेडी करके रख दिया हुआ है, जाके मैं देखती हूँ कि वो कितना हो गया। मैंने उसको हल्की सी आँच पर रखा हुआ है, ठीक है। सो लेट्स गो टू द किचन और देखते हैं क्या हालात हैं हमारे ऑमलेट के। ओके जी, हम आ गए हैं किचन में, और सबसे पहले तो फटाफट से मैं अपना ऑमलेट देख रही हूँ कि उसके क्या हालात हैं। मैंने इसके ऊपर तवे को ही रख दिया हुआ है, कैसा ये बिल्कुल हल्के से ऑयल में जो है ना मैंने इसको रखा है, और अब मैं इसकी ये वाली साइड जो है ना वो चेंज कर दूंगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसने ना मुझसे टूट जाना है, इसने पूरा नहीं रहना, इसने आधा आधा हो जाना। पहले इसकी साइड चेंज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हालात है इसके नीचे से। अरे वाह, कामयाब हो गई मैं, देख लो पूरा अंडा है, फिर इसको ना मैंने पलटा ही लिया आखिरकार, लेकिन थोड़ा सा साइड से टूट गया। अब इसको ना मैंने दोबारा से इसके ऊपर कवर कर देना है प्लेट के साथ, सभी के साथ ही कर देती हूँ, और ये थोड़ा सा जो रह गया है ना अब ये भी हो जाएगा। चलो ऐसे इसको पड़ा देते हैं। इस साइड पे जी ये लोग लगा रहे हैं साग को तड़का, मेरे सामने बैठ के साग खाएंगे, लेकिन मैंने नहीं खाना क्योंकि आजकल हमने थोड़ी सी ज़रा शर्म की है, हमने कहा थोड़ी डाइटिंग कर ली जाए, देखते हैं कितने दिन चलती है। तो जी यहाँ पे लग रहा है साग को तड़का, साथ में बनेगी मकई की रोटी, और मेरा नाश्ता आप लोगों ने देख लिया है। चलिए जी गाइस, नाश्ता वाश्ता करके जो है हम फ्री हो गए थे, और अब जो है ना मैं चाय बना रही हूँ। मेरा ऑमलेट वैसे टूटा नहीं था, लेकिन मैं बिजी थी इसलिए मैं कैमरा जो है वो ऑन नहीं कर पाई, लेकिन यहाँ पे जी चाय शाय बन रही है अंदर। पहले मैंने इलायची डाल दी है, मैंने पत्ती डाल दी है और सौंफ डाल दी है, इससे चाय बहुत अच्छी बनती है। और चाय हम शक्कर वाली पीते हैं इसलिए इसके अंदर मैंने शक्कर डालनी है, ठीक है। और वो जो स्पेशल न्यूज़ है ना, बस मैं ये चाय शाय पी लूँ तो फिर मैं आप लोगों के साथ ना वो अपनी न्यूज़ शेयर करती हूँ, बहुत मज़े की। लो जी चाय हमारी हो गई है तैयार, चाय शाय जो है वो हम पी लें, चाय पी के तो उसके बाद जो है ना मैंने आप लोगों को एक बड़ी अच्छी न्यूज़ देनी है। हो सकता है वैसे तुम लोग गैस लगा लो थोड़ा थोड़ा। ओके गाइस, इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म हो गई है, और वो चीज़ जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये है कि मेरा जो है फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका है। मैं जो पिछले दिनों कह रही थी कि मैं पेपर्स में बिज़ी हूँ, और पेपर्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसी वजह से जो है मैं वो व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबरों से जो है ना तुम लोगों की बहन पास हो गई है, और मुझे पता है तुम लोगों ने बहुत दुआएँ की होंगी, ठीक है। तो अब जो है ना मैं वो रिज़ल्ट तुम लोगों को दिखाने लगी, मैंने अपने सामने खोल के रख ली है, और मैंने कहा चलो तुम लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, ये ना हो कहो कि पता नहीं ऐवी लगी हुई है। ये देखो ये हैं जी हमारे सारे सब्जेक्ट, ऊपर ये देख लो सैरिश नेम, डॉटर ऑफ नईमुल्ला, ये रोल नंबर सारा कुछ लिखा हुआ है। मैं ऐवी नहीं कर रही, ये ना समझना पता नहीं किसी और का रिजल्ट खोल के तो दिखा रही हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये हैं जी सारे सब्जेक्ट्स, और सब सब्जेक्ट्स के अंदर जो है हमारा आ गया है, एक में बी ग्रेड आया है और बाकी सब में जो है हमारा ए आ गया है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से जो है ना तुम लोगों की बहन पास हो गई है, एंड थैंक यू सो मच गाइस जिन लोगों ने बहुत सारी दुआएं की थी मेरे लिए कि मैं पास हो जाऊं, क्योंकि मैंने कहा था स्पेशल तुम लोगों को मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। पास नहीं हुई, एक्सीलेंट, ए है सब में, ए आया है, बी नहीं, बी सिर्फ एक में आया, पास हो गई है ना।
अच्छे नंबरों से गाइस पास हुई हूँ। बिल्कुल नॉर्मली मैं पास हुई, सब में ए ग्रेड लेकर पास हुई हूँ। ठीक है मम्मा, आपका क्या कहना है इस बारे में? वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मेरी बेटी बड़ी लायक है। हाँ, बहुत लायक है, नंबरों से पास हुई है। तो सबके बच्चों के लिए दुआ करनी चाहिए। नहीं नहीं, आप वो वाली बात पे आए ना, अब मेन के अब गिफ्ट क्या देंगी हम, फिर कोई ट्रीट श्रीट, पैसा ही पैसा होगा। ये वाली बात पे आओ ना, इस बात पे आओ ना, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। गिफ्ट? हाँ गिफ्ट क्या दोगी? कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा मुझे। नहीं मामा, लोगों ने गलत समझने लग जाना। नहीं गाइस, कोई मंगनी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा है कि मैं मंगनी कर दूंगी। हाँ कर दूंगी, जब इंशाल्लाह कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा या फिर अल्लाह ताला ने जहाँ लिखा होगा। ठीक है, अभी नहीं, गिफ्ट पे आओ, गिफ्ट पे मुद्दे पे। हाँ क्या लेना बताओ। नहीं आप बताओ ना, आप मुझे क्या दोगी, कोई अच्छा सा गिफ्ट बताओ। कुछ खाना चाहती है, कुछ लेना, कुछ खाना पीना ही खिला देना बहन, तुम लोगों की बस खाने पे खाना पीना। अच्छा नहीं, ड्रेस ड्रूस नहीं, बस अच्छा खाना पीना, बस गोल्ड की चीज लेनी है। नहीं हमें गोल्ड की चीज लेनी है इधर। गोल्ड पता है कितना महंगा हो गया, कुछ 2.5 लाख के करीब गोल्ड पहुंचा हुआ है। गोल्ड में बंदा क्या खरीद सकता। हाँ अपनी बेटी को अच्छा सा ना ये मुझे सिर्फ एक पैर। हाँ मैं नोज पिन ले दो, ये वाली जो नोज पिन है ना, ये देखो मुझे ये ना काफी पुरानी हो गई है। ठीक है मैं नहीं ले दो, मैं वो रिंग वाली ना पहन लूँ, तुम्हें तो कमी रहती है हर टाइम। इनके पास गाइस 4-4 रिंग है। हाँ इनके पास रजती नहीं है। और वो 4-4 जो है ना, वो 200-200 250 वाली है, वो जो जाल से नहीं लेके आते, वो वाली रिंग्स है। और उनके ऊपर डायमंड्स भी लगे हुए हैं। मैं तुम लोगों को किसी दिन टूर कराऊंगी। 2000 की है, 2-2 हजार वाली रिंग है। नहीं उस तरह की गोल्ड प्लेटेड नहीं चाहिए, ओरिजिनल वाली। अगर गोल्ड वाली लेके दे रही उसकी बात करो, इंशाल्लाह वो भी ले। हाँ इंशाल्लाह पैसे आएंगे तो फिर क्यों नहीं, फिर गोल्ड भी पहन लेंगे यार। हाँ इंशाल्लाह सब कुछ लेके दे। हाँ इंशाल्लाह भाई सारा कुछ ले देगा। अब आप ऐसा करना, किसी दिन खाना खिला देना या एक अच्छा सा सूट ले देना। ठीक है यार ले दूंगा यार, सूट ले देना। करती हूँ तो अच्छी सी सेल लगे। हाँ सेल में से ले देना, सेल में से ले देना, लेकिन बस ले देना, इतना अच्छा रिजल्ट आया तो देती है। बर्थडे पे भी देती है गिफ्ट, और ईद पे ईदी भी मिलती है। हाँ तो छोटे होते तो जो मिलती थी तो वो नहीं मिलती होती थी, वो मम्मा ही ले लेती थी, लेकिन अब मम्मा दे देती हैं, गिफ्ट भी दे देती हैं। हाँ इस दफा मैं कोई बड़ा काम कर रही हूँ। हाँ इस दफा तो मैं अपने बेटे की हर साल 2 दफा शॉपिंग करती हूँ। इस दफा जरा हालात ऐसे नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह पैसे आएंगे तो फिर हम शॉपिंग भी कर लेंगे और फिर गिफ्ट भी अच्छा वाला ले लेंगे। सो यही वो न्यूज थी जो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर करना चाह रही थी। मैंने कहा आप लोग मेरी फैमिली की तरह, तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊं कि मेरे पेपर्स का रिजल्ट आ गया और मैं अच्छे नंबरों से पास हो गई हूं और नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। अच्छे नंबरों से पास हुई है। हाँ अच्छे नंबर से लाइक बेटी है, बड़ी अच्छी बेटी है। हाँ बहुत अच्छी बेटी है, पर सोती सोती वो रूटीन ही ऐसी है। अभी यूनिवर्सिटी नहीं ना जाना था, आजकल छुट्टियां चल रही है तो इस वजह से 10-11 बजे ऐसी उठती है। आज मैं 10 बजे उठ गई थी, आप ऊपर गई थी, आपको नहीं पता। सो ये न्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब बस कमेंट्स में फटाफट से ना मुझे आप लोगों ने मुबारकबाद दे देनी है। ठीक है, और जो जो गिफ्ट देना चाहता है ना मुझे बता देना, मैं बता दूंगी अपने घर का, और गिफ्ट भी दे देना मुझे। बस बस भी होते हैं, बस इन चीजों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन, अल्लाह ताला कामयाब करे। बस इस तरह अच्छे अच्छे नंबरों से पास आती रहो, अल्लाह ताला फिर गिफ्ट मिलते रहेंगे आप। ठीक है इंशाल्लाह। An hour later. जी गाइज, जो 30 मिनट्स का हमारा वर्कआउट था ना वो हो गया है डन। मैंने यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर ली है। सुबह मैंने आज आपके साथ शेयर किया कि मैंने जो है वो डाइट ऑमलेट खाया है। अभी अपना एक स्नैक भी मैंने ले लिया है। मैं थोड़ा सा इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी फॉलो कर रही हूँ कि 12 से लेकर रात 7-8 बजे तक मेरी जो है वो खाने वाली विंडो होती है और बाकी जो है वो 16 आवर्स की फास्टिंग विंडो है। बाकी अपना डाइट प्लान वगैरह आपसे शेयर करूंगी और एक्सरसाइज हो गई है, फिलहाल नमाज का टाइम हो गया है। चुप हो जाओ, ये रिमशा बोल रही है पीछे। बाकी मैं आपसे अपनी एक्सरसाइज की रूटीन वगैरह भी शेयर कर दूंगी। फिलहाल मेरा वर्कआउट का टाइम खत्म हो गया, मैं बस नमाज वगैरह पढ़ लूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो रात वाला खाना है ना उसके अंदर जो है वो मैंने क्या खाना है। ओके गाइस, सारा कुछ हो गया यहाँ पे। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्या खाना है। थोड़ी सी मैंने काट ली है अपने लिए बंद गोभी, एक गाजर काट ली है, और यहाँ पे जो है ना चिकन को जस्ट एक
मैंने ऐसे ना छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखे हुए हैं अपने लिए, बस इसको इस तरह से मैंने कर लेना है। इसके अंदर जो है ना मैंने एक चम्मच के करीब ऑलिव ऑयल जो है वो डाल देना है, कोई भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप डाइट में हैं तो डाल लें। मेरा ऑलिव ऑयल ही ख़त्म हो गया हुआ है, निकल ही नहीं रहा। बस ये थोड़ा सा एक चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको बस हल्का सा ऐसे सौते करके, और बस यही मैंने खाना है अभी अपनी डाइट में। जी मेरा जो खाना खाना है ना वो हो गया रेडी, यहाँ पे मैंने चिकन करके अपना रख लिया है, यही मेरा रात का खाना है, मैंने यही अब खाना है। और कल अपनी दोपहर के जो है ना मील के लिए मैंने कुछ वाइट चने जो हैं ये बॉयल करके रख दिए हैं, सारा धुआं आ रहा है इसका जो है, मैंने सोचा है दोपहर में सैलेड बना के खाऊंगी। और नाश्ते वगैरह में मैंने आपको सुबह आज बता दिया था, ऑमलेट वगैरह चल रहा है, कभी बॉयल्ड एग खा लेती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपको फिर दिखाऊंगी कि इन चनों का जो है वो किस तरह से मैं सैलेड बनाऊंगी, और दोपहर के लिए मैंने वो खाना है। अभी बस मैं अपना खाना शाना खा लूँ और इसके बाद जो है बस सोने से पहले एक घंटा पहले जो है ना वो ग्रीन टी पीनी है, और कुछ मैं ऐसे कमरे में थोड़े बहुत चक्कर शक्कर लगा लेती हूँ। फिलहाल तो यही रूटीन चल रही है वेट लॉस की, फिर मैं थोड़ा प्रोग्रेस कर लूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या प्रोग्रेस हुई है। ओके जी, खाना शाना जो है वो मैंने अपना खा लिया था, और अब जो है ना वो ग्रीन टी का टाइम आ गया है। ये देखो अब मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ, और बस अब तकरीबन टाइम भी हो गया, 8 बज गए हैं रात के, ये चेक कर लो ज़रा, 8 बजने वाला है, और मैं सोती हूँ कोई 10-11 बजे, और सोने से कोई 10-11 कह रही हूँ, 1-2 घंटे पहले जो है ना वो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, ठीक है। सो यही था मेरा आज का दिन, आई होप कि आपको रूटीन मेरी पसंद आई होगी, और सबसे मजे की बात थी आज मेरा रिजल्ट, ठीक है। और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है, क्या बताना था, मुबारकबाद दे देना, बताना ना कि मुबारक हो आपको, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर सकते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में। और जो अभी तक जिसने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं प्रेस किया वो बेल आइकन का बटन भी दबा ले, ताकि सारे व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहें देखने के लिए, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और यहीं पे मैं करती हूँ अब अपने व्लॉग का एंड, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे रखना है दुआओं में याद। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।